हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है स्वप्तलीन 401 और ड्यूक 390 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे और कंप्लीट जो है कंपेरिजन करेंगे दोनों के बीच में कि कौन सी बाइक आपको बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, ये तो कैफे रेसर बाइक है कम्प्लीटली जो है हस्क्वर्ना स्वप्तलीन। और ये जो बाइक है ड्यूक 390, ये भी अपने आप में बीस्ट है और ये आपको नेकेड बाइक देखने के लिए मिल जाएगी। नेकेड स्पोर्ट्स में आती है ये। सो ऑन रोड प्राइस की बात करूँ यार, आपको यहाँ पे स्वप्तलीन हस्क्वर्ना 401 की तो उसकी प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी 3,58,000 और ड्यूक 390 की आपको देखने के लिए मिलेगी 3,87,000। ठीक है, सो दोनों के स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। दोनों में 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ड्यूक 390 में तो अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, कम्प्लीटली। बट यहीं पर आपको हस्क्वर्ना स्वप्तलीन में 401 यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर स्पोक वाइड व्हील देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4.5mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है ड्यूक 390 में, सेम एज इट इज़ 4.5mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। दोनों में डुअल चैनल ABS है और कॉर्निंग ABS भी आता है और सुपर मोटो ABS भी आता है, ठीक है। LED लाइट्स की बात करूँ तो ऐसे कुछ LED लाइट्स आपको ड्यूक 390 की देखने के लिए मिलती है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको हस्क्वर्ना की भी ऐसी कुछ लाइट देखने के लिए मिलती है, इसकी भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्की और हैवी जो है, मस्कुलर जो है, वो 401 देखने के लिए मिलती है। बट ड्यूक 390 यहाँ पे नेकेड बाइक है तो आपको देखने के लिए यहाँ पे नॉर्मल सी देखने के लिए मिलती है। आपको देख के ऐसे जज नहीं कर सकते आप ये 390cc की है, बट 401 लगती भी 400cc की है, ठीक है। सो इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी 399cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन विथ 6-स्पीड गियर बॉक्स, 47 का BHP पंप आउट करता है इसका इंजन। और इसका भी स्पेसिफिकेशन सेम एज इट इज़ है, 399cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको, नहीं इसके अंदर आपको 387 समथिंग कुछ का इंजन देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा CC कम है इसका। बट टॉप स्पीड जो है इसकी भी काफ़ी अच्छी है, 180 समथिंग तक की है और हस्क्वर्ना की भी आपको इतनी लगभग देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और माइलेज की बात करूँ तो आपको 30-35 KMPL दोनों का माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा। और सिटी में अगर आप चलाओगे तो 20-25 KMPL। और यहाँ पे आपको 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है हस्क्वर्ना के अंदर। और यहाँ पे आपको सेम एज इट इज़ जो है ड्यूक 390 में भी इतना ही फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। ड्यूक 390 में आपको क्विक शिफ्टर देखने के लिए मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर कम्प्लीटली, देखिए, ठीक है। और इसमें कंप्लीट आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है कलर्ड, और आप यहां से इसको कंप्लीट ऑपरेट कर सकते हो। इसमें भाई फीचर्स की तो कमी है ही नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्क्वर्ना की बात करूँ तो यार इसमें आपको कोई भी ऐसा क्विक शिफ्टर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, बस इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी क्विक, फास्ट और है ना सॉफ्ट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्विक शिफ्टर की नीड है इसके अंदर, और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फास्ट है वैसे तो, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑफ रोड टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं स्वप्तलीन हस्क्वर्ना में, बट ड्यूक 390 में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आपको कोई भी ऑफ रोड टायर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। थोड़ी सी फास्ट, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब आपको अगर ऑन रोड पर चलानी है, आपको ऑफ रोडिंग वगैरह का शौक़ नहीं है तो आप ड्यूक 390 के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको ऑफ रोड वगैरह करना है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सब करना, एडवेंचर वगैरह करना, तो आप 401 के साथ जा सकते हैं। ये कैफे रेसर बाइक है कम्प्लीटली और काफ़ी अच्छा आपको ऑफ रोड में परफॉर्मेंस निकाल के देगी। यहीं ड्यूक 390 भी काफ़ी फास्ट और काफ़ी रिलायबल है, बट जो है ये थोड़ा सा इंथोस्टिक, जो स्पीड को लेके थोड़े से इंथोस्टिक है उनके लिए बनी हुई है। और ड्यूक और ये जो स्वप्तलीन हस्क्वर्ना 401 है, ये आप जो ऑफ रोडिंग वगैरह होते हैं बंदे जिनको पसंद है और भी काफ़ी थोड़ा फन और थोड़ा थ्रिल पसंद है उनके लिए है ये, ठीक है, 401। सो अभी बात करते हैं यार इसके पीछे से, तो 17 इंच आपको पीछे भी अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है और पीछे भी बाइबर्स के कैलिवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में आपको ऐसा कुछ शॉकर देखने के लिए मिलता है। ड्यूक 390 में भी WPFX के शॉकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, इसी सेगमेंट की बाइक्स में ही आपको 401 में है और 390 में ही आपको एडजस्टेबल फ्रंट शॉकर देखने के लिए मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ऑन रोड ऑफ रोड के ऊपर। और ऐसी कोई सी भी इस सेगमेंट में अभी तक कोई बाइक नहीं आई है जिनके ऊपर ऐसा कुछ, मतलब कि आपको फीचर देखने के लिए मिले। और जो हीट जो है थोड़ा सा इंजन ड्यूक 390 का ज़्यादा करता है ना, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है इसके साथ में स्टार्टिंग से ही, पता नहीं बस जनरेशन वन से ही। बट जो हस्क्वर्ना 401 है इसका आपको इतना देखने के लिए नहीं मिलेगा हीटिंग इशू बिल्कुल भी। और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है दोनों बाइक्स। अभी बात करते हैं यार कि आपको कौन सी बाइक करनी चाहिए। देखो यार, आपको अगर थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा थ्रिल आपको पसंद है तो आप ड्यूक 390 के साथ जा सकते हो। और अगर आपको ऑफ रोड वगैरह से ही मतलब है ज़्यादा और थोड़ा सा बस आपको जो है
थोड़ा सा लुक वाइज में अच्छी लगती है गाड़ी, वैसी कुछ चाहिए एस्थेटिक सा लुक, थोड़ा सा मस्कुलर जो थोड़ा सा हैवी दिखे बाइक, तो आप फिर है जो हस्कवर्ना 401 के साथ जा सकते हैं। टिल देन स्टे बाय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको 400